हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो से आप लोगों को देख के पता ही चल रहा होगा कि ये मेरी शादी का वीडियो है एंड इसके कुछ हाइलाइट्स हैं जो मैं आप लोगों को आज शेयर कर रही हूँ। ये है शादी वीडियो का पार्ट वन, क्योंकि अगर मैं एक ही में बना दूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ तिलक होता है, तो वही यहाँ पर तिलक हो रहा है। यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और तिलक करते हैं। मतलब जो तिलक होता है हमारे यहाँ, वो लड़की का भाई करता है। तो ये मेरा भाई, मेरे मामा का बेटा है बाबू, वो कर रहा है। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वो चेयर पे क्यों बैठा और ये नीचे क्यों बैठे। तो चेयर पे इसलिए वो बैठा था क्योंकि उसी टाइम मेरी शादी थी 30 जनवरी 2020 में, और इसका बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था 2 दिसंबर 2019 में। मतलब मेरी शादी के बस 2 महीने पहले इसके पैर में 3 रॉड्स वगैरह लगी हुई हैं, हाथ वगैरह। वो मतलब बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ था, 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट था। तो इस वजह तो इसलिए वो नीचे नहीं बैठ पा रहा था, तो इसलिए उसको चेयर वगैरह दिया गया था। और जो भी थी, जो भी रस्में वगैरह, सब कुछ वही कर रहा था। यहाँ पे नारियल वगैरह और जो भी चीज़ें गई हुई थी वो सब कुछ चढ़ाई जा रही थी, मतलब इनके हाथ में दिया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पे मतलब ऐसे ही होता है, यहाँ पे क्या सब जगह पे ऐसे ही होता है, तिलक जो भी होता है उसमें जो भी चीज़ें लेके जाते हैं वो सब लड़के के हाथ में टच होती है, और बाकी जो नहीं होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उन पर चावल वगैरह छीट दिया जाता है। तो वही चीज़ें हो रही थी, जो सारा सामान था, जो छोटा छोटा सामान था वो सब इनके हाथ में दिया जा रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ ये थी, मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा डिमांड नहीं था कि आप ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा दीजिए, वैसा दीजिए, आपकी जो इच्छा है वो उस टाइप का हो, तो वो ठीक था। बाकी यहाँ पे फिर पान का पत्ता और तिलक वगैरह लगा रहे थे, और यहाँ पे नारियल दे दिया गया था। ऑलमोस्ट तिलक का सारा रस्म वगैरह हो ही गया था। अब तिलक और उसके बाद जो होती है चुमावन होती है, जो सब लोग होते हैं वो चुमावन करते हैं, चावल रहता है उससे चुमावन होती है। उसके बाद ये जाने का टाइम हो गया था, तो उस टाइम सब फ़ोटोज़ ये मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी, और यहाँ पे मेरा भाई लोग, और यहाँ पे पंडित जी लगन पत्रिका जो होती है वो बना रहे थे। और उसके बाद ये मेरा लड्डू, मेरी दी का बेटा। और उसके बाद यहाँ पे मुझे मेहंदी लग रही थी। मेहंदी का कुछ हमारा ऐसा फंक्शन नहीं हुआ था जिसमें मतलब वैसा कुछ हो, बस नॉर्मल ही मेहंदी लगाई गई थी। तो और उसके बाद हमने डांस वगैरह किया थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ही कर लिया था। मैंने सोचा था भाई शादी हमेशा थोड़ी होगी, दूसरों की शादी में इंजॉय करना और खुद की शादी में इंजॉय करना दो अलग चीज़ें होती है, तो मज़े कर लो भाई। और उसके बाद ये हमारे यहाँ मटकोर होता है जिसमें मिट्टी कोड़ी जाती है, तो वही हो रहा था। तो मेरे साथ में ना मेरी कज़न की भी शादी थी, मेरे साथ में मेरी मामा की मेरी मम्मी से जो छोटे वाले, उनके छोटे वाले भाई, उनकी बेटी की शादी और मेरी शादी एक साथ हुई है, एक ही डेट पे दो लोगों की शादी हुई है। तो उनकी भी हो रही थी रस्म और मेरी भी हो रही थी रस्म। तो यहाँ पे मिट्टी कोड़ हुई, उसके बाद यहाँ पे मंडप जो होता है ना, मंडप लगाया जाता है, वो तो मैरिज हॉल वगैरह में आजकल वैसे तो मंडप उस टाइप का बांस का नहीं बनता है, तो फिर वही छोटे छोटे बांस को लगाकर और फिर धागा वगैरह शायद उतना नाप कर उसमें बांध दिया गया था, तो वही सब हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे हल्दी की रस्म, ये वहाँ पे बड़े मामा, मामी और जिसकी शादी थी मेरी कज़न वो, और यहाँ पे मेरी हल्दी। मैं कैसी दिख रही हूँ, गंदी सी। फिर यहाँ पे सब कुछ हल्दी वगैरह लगा रहे हैं, उधर कुछ खाना वाना भी सब कुछ हो रहा था। और दो शादियाँ थी ना, तो थोड़ी ज़्यादा चहल पहल और ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्योंकि उनके रिलेटिव्स भी, हमारे रिलेटिव्स भी, तो ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, ज़्यादा लोग भी थे। और यहाँ पे हमारा लड्डू इतना छोटा सा था, और फिर मेरे बड़े वाले मामा जो कि अब नहीं है, 2021 में उनकी डेथ हो गई, उनको किडनी का प्रॉब्लम था। और फिर यहाँ पे हम लोगों का डांस वगैरह, तो ये वो रही पीछे में उसकी, मेरी कज़न जिसकी शादी। और डांस तो मतलब बहुत हुआ, बहुत डांस, जिसने कभी किसी की शादी में डांस नहीं किया उसने भी डांस किया, मतलब सब ने, यहाँ पे सारे मामा लोग, ये मेरे छोटे वाले मामा है ग्रीन शर्ट में, ये कभी किसी की शादी में नहीं नाचे, इनको फर्स्ट टाइम मेरी हमारी शादी में बहुत डांस किया। सब लोग देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं पूरा वीडियो डालूंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब ने डांस किया और बहुत अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि हमेशा थोड़ी मिलना जुलना होता है ये शादी वगैरह। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मतलब मुझे लग रहा था कि अब मतलब
कब ऐसे होगा जब सब लोग मिलेंगे और फिर हमेशा मैं सारी चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, जो कि नहीं कर पाती हूँ। अब कहाँ होती है ऐसी चीज़, मैं सारी चीज़ों में नहीं जा पाती हूँ। तो फिर बस थोड़ा मूड ठीक करने के लिए सब मेरे को लेके आए डांस वांस कराने के लिए, बट फिर उसके बाद सबका मूड फिर ठीक हो गया। फिर सब ने बहुत डांस किया, फिर से बहुत डांस किया और बहुत 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 ज़्यादा डांस हुआ। देख सकते हैं आप, उत्तर से देख से समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग के यहाँ एक मतलब रस्म होती है जिसमें लड़की को लेके जाते हैं और फिर भाई जो होता है वो बरगद का पत्ता जो होता है उसको तलवार से काटता है और बहन उसको चुनती है, वो वाली रस्म के लिए बाहर लेके जाते हैं। और यहाँ पे एक और रस्म हो रही है, छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं वो इधर से मुझे दे रहे हैं और कुछ बोला जा रहा है फिर मुझे उधर जाके देना, तो वो चीज़ें हो रही है। ये वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। और ये फिर बाद में जो लड़का होता है, जो दूल्हा होता है, उसको मतलब मेरी मम्मी देंगी और वो उठा उठा कर लाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे पांच मंदिर वगैरह सब जगह जाया जाता है और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सब भगवान जी पे चढ़ाया जाता है, तो वो हो रहा है देव पूजी जिसको बोला जाता है। तो सारे मम्मी लोग मतलब जो भी औरतें वगैरह होती हैं वो सब जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे गिरदारी वगैरह और भी एक दो रसम मुझे नाम नहीं मालूम है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नाम नहीं मालूम इसका, बट हो रहा है जो भी हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, यहाँ पे फिर पाँव पूजी वगैरह जो बड़े लोग होते हैं उनकी पैर पूजी जाती है, जो भी दिया जाता है कपड़े वपड़े जो भी हो वो सब। और उसके बाद अब टाइम आ गई थी बारात आने की, तो ये हमारा जो भी जयमाला स्टेज वगैरह था वो था, जो कि बहुत अच्छा था। मतलब उस टाइम बहुत सुंदर सुंदर सा लग रहा था। और ये जो पूरा एरिया ना, ये रोड है, इस रोड को फिर मामा लोग ने ब्लॉक करवा के पूरा सब कुछ रेडी करवाया था। और ये मेरे मामा का ही मैरिज हॉल है, तो वहीं से शादी हुई थी, वहीं से हम मतलब मामा हम लोग जितने भी दोनों मेरी मम्मी की मतलब मैं और मेरी बहन और मेरी मौसी के तीनों बच्चे, हम पाँचों लोगों की शादी वहीं से हुई है। फिर उसके बाद ये जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें नहीं थी इसमें, तो बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, आधी चीज़ें तो कैमरा मैन ने रिकॉर्ड ही नहीं की, बट जो भी किया उसमें ये पता नहीं, आई थिंक टिक्की का कुछ है यहाँ पे, गोलगप्पे छोले चाट गोलगप्पे वगैरह थे, फिर कचौरियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। एक तो हमारे में ना जो दुल्हन होती है और दूल्हा वगैरह नहीं खाते, हम लोग भूखे रहते हैं, फास्टिंग रहती है उस टाइम दूसरे दिन, तो सबसे मुझे गंदी ये चीज़ लगती है, भाई अपनी शादी का खाना खुद ही नहीं खाओ। तो मैं ना मैंने खाया था कुछ भी, ना इन्होंने खाया था कुछ भी, बाकी लोगों ने तो खाया ही था। फिर यही सब बाकी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये बन रही थी रुमाली रोटी, जो कि बड़ा अच्छा बनाते हैं यार, ये घुमा घुमा कर ऊपर फेंक फेंक के पूरी रोटी तैयार कर देते हैं, तो वही रुमाली रोटी वगैरह बन रही थी। तो यही सब सारी चीज़ें थी। मतलब ये सब भी यादें होती है ना, देखकर कितना अच्छा लगता है कि चार पाँच साल पहले क्या था और अब क्या हो गया है, कितनी सारी चीज़ें चेंजेस आ गई हैं, अब और ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं। और पहले की चीज़ों की बात ही कुछ और थी, जैसे ये सैलेड का काउंटर अब ऐसे देखने कहाँ मिलता है, लेकिन उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, ऐसी कद्दू का गणेश भगवान बनाना, फिर बर्ड्स बनाना, बैंगन से कुछ अलग अलग चीज़ें, तो ये सैलेड का काउंटर भी बड़ा सुंदर सा प्यारा सा लगता था। फिर वहाँ पे मेरे शादी में ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी हुआ था, फिर डांसर्स वगैरह भी आई थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। और इधर इधर फिर बारात आ गई थी, तो बारात का स्वागत हो रहा था और ये बड़े पापा जी हैं, उनको पापा माला पहना रहे थे, क्योंकि हमारे घर में पापा जी तो हैं नहीं, बड़े पापा जी ही बड़े हैं। और फिर यहाँ पे मेरे मंझले वाले मामा जी और मेरे बड़े वाले भैया हैं, बड़े वाले भैंस जेठ जी, उनको माला वाला पहना रहे थे। और यहाँ पे सब लोग हैं। फिर यहाँ पे जो होता है लड़के का स्वागत होता है, उसको तिलक वगैरह लगाया जाता है, तो मेरे ससुराल में तो ऐसा होता है कि बाहर निकाल के मतलब चौकी होती है उस पर बिठा कर मतलब अच्छे से वैसे पूजा होती है, बाकी हमारे साइड जो होता है वो गाड़ी में ही पूजा होती है, उसके बाद ही लड़का बाहर निकलता है। बट हर जगह का थोड़ा अलग अलग नियम होता है, आप लोगों के यहाँ कुछ और होता होगा। तो वही पूजा हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे ये आए और इनको ले जाया जा रहा था, और यहाँ पे सब लोग तारीफ भी कर रहे थे। अभी ये देखिए, ये मेरे एक मामा ही हैं, ये देखिए कैसे तारीफ कर रहे हैं मेरे हस्बैंड की, भाई खैर मेरे हस्बैंड स्मार्ट तो हैं। उसके बाद यहाँ पे लेके जा रहे थे मेरे जीजा जी, मतलब हम दोनों मेरे नंदोसी हैं दोनों,
वो लोग लेके जा रहे थे, बड़े वाले जिया जी पता नहीं कहीं और थे बिजी ही, तो वो नहीं थे, तो छोटे वाले थे और मछले वाले थे, और यहाँ पे ये आ गए थे और अब कर रहे थे मेरा इंतज़ार। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ जो कि बहुत ही ख़ास पल होता है, मतलब घबराहट भी होती है और अच्छी फीलिंग भी होती है, तो बहुत अलग सी फीलिंग होती है और बहुत घबराहट सबको सबके साथ होता है, सबको पता ही होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा आगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी जयमाला के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे ना मतलब मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे वैसा मेकअप नहीं चाहिए था जिसमें मतलब मेरा सब कुछ छिप ही जाए, जिसमें मैं लगूं ही ना, तो मैंने बहुत ही लाइट मेकअप करवाया था, जो नॉर्मल डेली मेकअप करवाते हैं वो मेकअप मैंने करवाया था। तो बस वही, उसके बाद यहाँ पे टीका वगैरह लगाना था, आरती वगैरह करनी थी, तो वही हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे ये लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि जब मैंने इनको मिठाई खिलाई ना, तो ये इन्होंने मिठाई खाई नहीं, बस मिठाई को चाट के और ऐसे मुँह घुमा लिया था तो इसलिए सबको यहाँ पे हंस रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने माला, मुझे पता है डर भी लग रहा था ऐसा कि कहीं माला मतलब वो फ़नी मोमेंट टाइप ना हो जाए, माला मैं डालूं और माला जाए ही ना, या फिर माला अजीब तरीके से ना गिर जाए, तो मुझे वो बात का बहुत डर लग रहा था अंदर से। और बट जो भी है, सही से मैंने पहना दिया था और उसके बाद फिर इन्होंने मुझे पहनाया। तो इस पार्ट में बस इतना ही, आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में और इसके पार्ट 2 में। तो बस अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।